चीन के कृषि मंत्रालय ने अपनी मासिक कृषि रिपोर्ट में कहा कि चीन की 2021-22 की मक्के की डिमांड में कमी आई है। रूस यूक्रेन के युद्ध छिड़ने से मक्का समेत अन्य चीजों की कीमतों में उछाल आया है। चीन में मक्के की कीमतें ज्यादा ऊंची रहने के चलते मक्के की डिमांड और उठाव कम देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर मक्के की कीमतों में तेजी के और भी कारण हैं। चीन में वर्तमान में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे काफ़ी सारी पाबंदियां भी लगी हुई हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल हैं। चीन में मक्के के मुख्य उत्पादक राज्यों में लॉकडाउन के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे पूर्ण रूप से चीन की मार्केट में मक्के की सप्लाई नहीं हो पा रही है और कीमतों में उछाल आ रहा है। व्यापारियों के अनुसार जब तक लॉकडाउन की स्थिति सुधर नहीं जाती, मक्के की कीमतों में उछाल जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।